बीजेपी ने भले ही नंदीग्राम में ममता का विजय रथ रोक दिया हो, लेकिन बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत को बीजेपी नहीं रोक पाई। ममता बनर्जी भले ही नंदीग्राम से विधानसभा का चुनाव हार गई हो, लेकिन उन्हें तीसरी बार पश्चिम बंगाल के सीएम बनने से बीजेपी रोक नहीं पाई है। टीएमसी विधायक दल की आज बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो कब होगा शपथ ग्रहण, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ खेला हो गया। पार्टी 200 पार का दावा कर रही थी, लेकिन वो 80 को भी पार नहीं कर पाई और टीएमसी 200 के पार पहुंच गई। 294 सदस्य बंगाल विधानसभा के 292 सीटों पर चुनाव हुआ था, इसमें से टीएमसी को 214 सीटों पर जीत मिली। आज टीएमसी की ओर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें ममता बनर्जी को सर्वसम्मति से टीएमसी विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद ममता बनर्जी की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने बताया कि ममता बनर्जी 5 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। 5 मई को ममता बनर्जी अकेले ही शपथ लेंगी। नए मंत्रियों को 6 मई को शपथ दिलाई जाएगी। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह बेहद साधारण होगा। उन्होंने कहा है कि जब तक देश संक्रमण से लड़ाई नहीं जीत पाता, तब तक किसी भी तरह का जश्न नहीं होगा। ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। ममता ने कहा कि हमने गलत रास्ते को बंद किया है, बंगाल की जनता ने इसे रोका है। ममता ने अपनी जीत का क्रेडिट युवाओं महिलाओं को दिया। नंदीग्राम में काउंटिंग को लेकर भी ममता ने कहा कि पार्टी इस बारे में विचार कर रही है। टीएमसी की ओर से नंदीग्राम में रिकाउंटिंग कराए जाने की मांग की गई है। पार्टी ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा है। टीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया है कि नंदीग्राम में मतगणना के दौरान गड़बड़ी हुई है। खैर, ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव जीतना होगा। वैसे चर्चा इस बात की भी है कि ममता बनर्जी खरदाहा सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं। खरदाहा सीट से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा को जीत मिली है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान काजल सिन्हा संक्रमण की चपेट में आ गए थे और 25 अप्रैल को उनकी जान चली गई। लेकिन खरदाहा सीट पर मतदान हो चुका था, इसलिए इस सीट पर मतगणना कराई गई थी। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी खरदाहा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।